हालांकि ये महज भाषाई आंदोलन नहीं है और हमारी लड़ाई किसी भाषा से नहीं है। ये लड़ाई झारखंडियों की अपनी भाषा और संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ये लड़ाई झारखंड के संसाधनों को लूटने से बचाने के लिए है। ये लड़ाई झारखंडियों के आन बान और शान के लिए है। आज यह देखकर बेहद ही सुकून महसूस हो रही है कि लगभग 2 दशक के बाद झारखंड के युवा बड़ी संख्या में एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हैं। यह कारवां यहीं नहीं रुकना चाहिए। यह बेरोजगारी, आउटसोर्सिंग, अच्छी शिक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी मुखरता के साथ सत्ता को चुनौती देता रहेगा। इतना बड़ा भाषाई आंदोलन के बाद भी राजनीतिक गलियारों में हलचल नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक गलियारों में हलचल उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को करना शुरू किया है। सत्ता पर दिख कुछ रहा है, सत्ता के नीचे हलचल बहुत सारा हो रहा है। अभी झारखंड के हर नेता के मन में एक भय बैठ गया है कि दोबारा जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड मुक्ति के लिए जो आंदोलन किया था, सेम बिल्कुल उसी तरह का व्यवस्था या समय या आंदोलन दोबारा खड़ा हो चुका है। और यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही भाषा को हटाया नहीं जाएगा। और इसके बाद हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू नहीं करवा लेंगे। इस आंदोलन का आगे का रोड मैप रूपरेखा क्या होगी? ये आंदोलन सामूहिक निर्णय के आधार पर चलता है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता के द्वारा यह आंदोलन नहीं किया जा रहा है। यह आंदोलन जन जन, हर एक युवा साथी मिलकर लड़ रहा है। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। इसमें जो भी निर्णय होगा सामूहिक तौर पर हम लोग फिर बैठेंगे और सामूहिक निर्णय जो होगा उसी निर्णय पर आगे काम किया जाएगा। अमित महतो को छोड़ के कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस पर बड़ा बयान दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमित बाबू राजनीतिक व्यक्ति हैं। जिस तरह उन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी पार्टी से बगावत किया है, उसके लिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति उनको धन्यवाद देती है। और केवल वही नहीं, आपने कल खबर सुना होगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस से विधायक रही गीता श्री उराव जी ने अपनी पार्टी का त्याग कर दिया है। तो ऐसे और भी लोग राजनीति को छोड़कर इस आंदोलन में साथ देने के लिए आएंगे। समय का इंतजार कीजिए, यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। और तो चलिए जानते हैं धनबाद बोकारो के छात्र इस भाषाई आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या मांगे हैं। के इतिहास में भाषाई अतिक्रमण को लेकर आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसे हम लोग महा आंदोलन भी कह सकते हैं। देखिए, ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम साधारण भाषा में समझें तो भोजपुरी, मगही और अंगिकी जैसे कुछ भाषाओं को झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको जो है हम लोगों पर थोपा जा रहा है। हमें किसी भी भाषा से कोई भी नफरत नहीं है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे जो झारखंड में जो भाषा चल रहा है हमें वो पसंद है। हमें भोजपुरी नहीं बोलना है और हमें भोजपुरी से नफरत नहीं, लेकिन वो जिस क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए या कई के लिए भी, वो वहाँ के लिए हमारे लिए क्या है, और ठाकुर, माली, संताली इत्यादि जो भाषाएं हमारी क्षेत्रीय भाषा है। चूंकि मैं एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपका एक उदाहरण लेके समझाते हैं कि अगर भोजपुरी में गई ये क्षेत्रीय भाषा में शामिल हो जाता है तो क्या क्या समस्या हो सकती है। जैसे हमारे एक JSSC JPSC एग्जाम्स में क्या होता है, एक पेपर होता है जिसमें क्षेत्रीय भाषा आपको रखना पड़ता है। तो अगर ये सब क्षेत्रीय भाषा में शामिल हो गया तो जितने भी बच्चे जो भोजपुरी, मगही इत्यादि बोलते हैं वो सब भी उस एग्जाम्स में फाइट करेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि हमारे बीच कंपटीशन बढ़ेगा, साथ ही साथ झारखंड में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगा, जो झारखंड में रहने वाले हैं उनकी बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि झारखंड में भोजपुरी, मगही ना चलतो ना चलतो। झारखंड, मेरी भाषा नहीं चलता।
नीतीश नहीं, अगला बेटा मुखिया चुनाव जीते को खत्म खत्म कर दूंगा। वो क्या चुनाव तो छोड़ दे, मुखिया चुनाव तो दूर की बात हो। अगर मुखिया मन सदस्य को चुनाव तो वार्ड सदस्य चुनाते तो हो बोकरा जीते को करने थे और जीरो वोट जाते हो, अपन वोट खुद दे सके, बाकी कोई वोट ना देते। आज अगर मौका देखा देती तो लाइयो रैली के माध्यम से चेतावनी दे कि निंदिया मन आ तो उठ जाओ, नहीं तो कुंभकर्ण इतना आदमी जो सुतल ले और कुछ को उठा ले तो ओकर किए ले मृत्यु हल ले। अगर तोरा कुछ को उठा ले नौजवान मान तो तोरा गद्दी सहित पार फेंक दो हमने। जहाँ कहते भाषा लाओ करे उसी राज बन जाएगा तुम बस, और वही जाएगा खो और रो, यहाँ से भाग जोगे।